हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल भाई, आज मित्रों मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य विज्ञान जो सुपर टेट में 10 अंक की आती है। और यहाँ से क्या होता है भाई, यूपी टेट में भी आपके प्रश्न अब बनने लगे हैं, तो यूपी टेट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, रिविजन के तौर पर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, और इसमें भी जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से स्टार्ट होगा और आप देख लेना इसे, ठीक है। तो पित्त जो होता है, निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, और लगाने की कोशिश कीजिए। यकृत के, अमाशय के, अग्नाशय के या गृहिणी के। तो पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है भाई बताइए। सेकंड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन। तो पित्त जमा होता है कहाँ होता है भाई, पित्ताशय में, गृहिणी में, यकृत में या पिलिया में। तो दोस्तों पित्त जो होता है ये होता है पित्ताशय में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है। दोस्तों कौन सा है थर्ड क्वेश्चन है, और ये आपको मुझे बताना है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 3, गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़े से, हृदय से। दोस्तों पेसमेकर होता है, इसका संबंध होता है हृदय से, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पेसमेकर का कार्य क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए ये। और पेसमेकर का कार्य क्या है ये आपको बताना है, मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या श्वास क्रिया प्रारंभ करना। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों जो पेशमेकर का कार्य है, अभी मैंने बताया हृदय से संबंधित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन केवल सी सही जा रहा है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गति प्रेरक किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, गति प्रेरक किससे संबंधित है बताइए भाई। तो दोस्तों जो गति प्रेरक है ये सेम आपका पेसमेकर है, ठीक है। पेसमेकर को हम क्या कहते हैं, गति प्रेरक कहते हैं हिंदी में। देखिए भाई घूम जाओगे, अगर आपको पेसमेकर का पता है तो ठीक है, अगर उसकी जगह गति प्रेरक आ गया आप हिल जाओगे, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी डाल दिया है। तो इसका संबंध भी किससे होता है, हृदय से होता है, जब दोनों चीज़ें एक सी हैं तो हृदय से ही होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, आपके हमारा शरीर से संबंधित प्रश्न है सारे आए हुए आपके टॉपिक के। निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धमनी, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है बताइए भाई, कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए दोस्तों 0.8 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितनी बार होता है। दोस्तों बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और आप इजीली इस क्वेश्चन को लगा जाने वाले हो। तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है भाई, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपने पढ़ा हुआ भी होगा। 120 ऐसे आपको बहुत जगह इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, 120 mm व 80 mm। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, मुझे राइट आंसर बताने की कृपा कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 82% प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है क्या पाया जाता है रक्त में, काफी बार आपने पढ़ा है और आप इजिली इस क्वेश्चन को करने वाले हो। तो दोस्तों क्या पाया जाता है, लोहा, Fe, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है बताने की कृपा कीजिए दोस्त। दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है,
रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वह होता है किडनी में। किसमें दोस्तों? किडनी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको काफी बेहतरीन है, अभी आगे भी काफी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बताइए भाई, जो मानव शरीर है कि किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, मुझे बताने की कृपा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका। दोस्तों जांघ जो होती है, जांघ, इसकी हड्डी सबसे लंबी होती है। और क्या होता है, उसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा कीजिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए भाई, कौन बताएगा? तो दोस्तों जो मानव का जीवन काल होता है उसमें 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए भाई, पाचन का जो है वो सबसे अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो बताने की कृपा कीजिए भाई। तो जो छोटी आंत होती है हमारी, उसमें अधिकांश भाग संपन्न होता है, तो इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कहाँ से किए जाते हैं मित्रों? ये भी छोटी आंत से किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन भी सी राइट हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए भाई, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है वह पाया जाता है भाई टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन याद रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। टाइलिन। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप इजीली कर लोगे। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? बताइए भाई, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, बताने की कृपा कीजिए भाई। तो दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? बताइए भाई, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, किसकी होती है दोस्तों, बताइए? है ना, बता दिया है आपको, तो HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। H पे पॉजिटिव आयन और क्लोरीन पे निगेटिव आयन। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाता है? बताइए भाई, किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो दोस्तों अमीनो अम्लों में हमेशा बदल जाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? बताइए भाई, किसको जमा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो होता है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में हाइड्रोजन को जमा करता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन प्रश्न लग रहे होंगे और कुछ नए क्वेश्चनों का अनुभव भी हो रहा होगा। आगे और क्वेश्चन है अभी करेंगे वो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, अभी कहाँ होती है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी, बताने की कृपा कीजिए। दोस्तों सबसे मोटी त्वचा होती है, तो दोस्तों जो तलवा होता है ना, तलवा, तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, वही अपनी स्किन छू के टच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन है वही, बताइए? तो दोस्तों वो थे वही खुराना जी। खुराना जी जो थे, इन्होंने जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, वही किसने किया था डीएनए का संश्लेषण? तो दोस्तों ये भी किया था खुराना जी ने। ठीक है, किसने किया था? खुराना जी ने किया था डीएनए का संश्लेषण। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया भाई? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था भाई वाटसन वे क्रिक ने। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है भाई? द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? 46। बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, किसका होता है वे बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए बताइए। तो दोस्तों पिता का क्रोमोसोम बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित की कमी से एनीमिया रोग होता है, पे बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न लेकर आए हूँ, आप लगा के देखिए पूरे मजे आने वाले हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी एनीमिया रोग होता है, तो लोहे से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है बताइए, भी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है जल्दी बताइए, की पार्ट अप दोस्तों। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल, क्या होता है दोस्तों? टोकोफेराल, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है बताइए भाई? दोस्तों विटामिन के से रक्त का थक्का मानव शरीर में बनता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है बताइए भाई? तो दोस्तों कौन सी होती है? विटामिन के, अभी तो आपको बताई है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है बताइए भी, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? दैनिक जीवन में विज्ञान से प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, आयरन की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, लगा लीजिए, थोड़ा टाइम दे देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में के लिए महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता बताइए भाई? दोस्तों मस्तिष्क जो है इसका प्रत्यारोपण कभी नहीं किया जा सकता, मतलब बदला नहीं जा सकता। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली? दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, स्कूल भी जाते हैं अपना, वहाँ से आके आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार करते हैं और फिर वीडियो आपको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट काफ़ी कम मिल रहा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।